बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं डॉक्टर करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोतक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को आप सब देख सकते हैं फेसबुक और यूट्यूब पे, तो लाइक कमेंट शेयर फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ मुझसे जुड़ने के लिए आप लॉग ऑन करें www.astrotak.com पे लॉग ऑन करके, यहाँ पर पूछ सकते हैं प्रश्न कॉल के द्वारा भी और साथ ही साथ अपना प्रश्न आप मुझे लिखकर भी भेज सकते हैं। आज है 15 सितंबर 2022, दिन है बृहस्पतिवार का। वहीं पर आज के पंचांग की अगर बात करें तो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी। ये तिथि रहेगी सुबह 11 बजे तक। इसके बाद जो है षष्ठी तिथि आरंभ हो जाएगी, यानी आज मनाया जाएगा पांचवा श्राद्ध। आज जिन लोगों के पूर्वज पंचमी तिथि पर स्वर्गवासी हुए थे उनका श्राद्ध आज के दिन किया जाएगा। इसके अलावा भरणी नक्षत्र रहेगा सुबह 8:05 तक का। इसके बाद कृतिका नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। राहुकाल का समय रहेगा 1:53 दोपहर से लेकर के 3:24 तक का। वहीं पे चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे दोपहर के 2:29 तक। इसके बाद वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। चलिए जानते हैं क्या कहते हैं आपके टैरो कार्ड्स, क्या कहते हैं करिश्मा के करिश्माई पत्ते। बात करेंगे सबसे पहली राशि मेष राशि के जातकों की। मेष राशि वालों का दिन आज का कैसा रहने वाला है, तो मेष राशि के लिए कार्ड आए हैं टेम्परेंस, साथ साथ कार्ड आया है आप लोगों के लिए जस्टिस और कार्ड आया है 6 of Wands का। आज कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत अच्छा दिन है। मेजरली चेंजेस आने वाले हैं लाइफ में, काम के प्रति लाभ प्राप्त होगा, नौकरी मिल सकती है, नौकरी ढूंढ रहे थे तो, और साथ साथ प्रमोशन इंक्रीमेंट भी हो सकती है। विवाह होने की भी संभावना है अगर विवाह योग्य हैं तो। आपके लिए सही रहेगा आज के दिन आप लोग जो हैं भगवान विष्णु जी की उपासना करें। बृहस्पतिवार का दिन है और उनको आज के दिन आप लोग जो है खीर केसर की बना करके भोग में लगाएं। बात करेंगे अगली राशि वृषभ की, तो वृषभ राशि के लिए कार्ड्स आए हैं 9 of Pentacles, किंग ऑफ कप्स और नाइट ऑफ कप्स। आज कहीं ना कहीं वृषभ राशि वालों के लिए दिन काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। जीवन में लाभ प्राप्त होगा, रिलेशंस में थोड़ा बदलाव आएगा, ठहराव आएगा। जो रिलेशंस खराब हो रहे थे अब वो पहले से बेहतर होंगे। आपके लिए सही रहेगा आज के दिन आप लोग जो हैं सफ़ेद फूल भगवान विष्णु जी को अर्पित करें। बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के लिए कार्ड्स आए हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द मैजिशियन और 9 of Wands। आज कहीं ना कहीं जीवन में आपको संघर्ष थोड़ा सा करना पड़ेगा, मगर हाँ इसका परिणाम बहुत ही अच्छा मिलेगा, मेहनत का बहुत अच्छा फल आपको मिलेगा। मिथुन राशि की महिलाएँ आज थोड़ा सा डोमिनेटिंग रहेंगी। आपके लिए सही रहेगा आज के दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी की माला अर्पित करें। बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के लिए कार्ड्स आए हैं 6 of Swords, वहीं पे किंग ऑफ सॉर्ड्स और स्ट्रेंथ कार्ड आया है। कहीं ना कहीं धैर्य बनाए रखें आज के दिन, यात्रा पे जा सकते हैं, हो सकता है किसी से लड़ाई झगड़ा हो तो आप उल्टा जवाब ना दें, अपने आप को क्रोधित ना करें, इस चीज़ का ध्यान रख के चलिएगा। आज के दिन भगवान विष्णु जी को खीर बना करके साबुदाने की भोग में ज़रूर लगाएं। बात करेंगे अगली राशि, बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के लिए कार्ड्स आए हैं 2 of Pentacles, 10 of Wands और एम्परर का कार्ड आया है। आज कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस करके रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्रोधित होकर के कोई डिसीजन ना लें। वहीं पर आज मेहनत ज़्यादा करें काम के प्रति, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। सिंह राशि के लिए अच्छा रहेगा आज के दिन आप लोग जो हैं भगवान विष्णु जी की उपासना करें और साथ साथ विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करें। बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के लिए कार्ड्स हैं एम्प्रेस, द फूल, साथ साथ 6 of Pentacles। आज दिन बेहद खास रहेगा, मेजर चेंजेस आ रहे हैं। कन्या राशि की महिलाएं जो संतान प्राप्ति के लिए सोच रही थी, आपको आने वाले समय में बहुत जल्द गुड न्यूज़ मिल सकती है, नए रास्ते खुल सकते हैं करियर के प्रति, और भी जिन चीज़ों में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनमें आपको कहीं ना कहीं लाभ प्राप्त होगा। धन को लेकर के जो परेशानी थी वो अब सुलझेगी। आपके लिए सही रहेगा आज के दिन 3 तुलसी के पौधे लक्ष्मी नारायण मंदिर में दान करें। बात करेंगे हम तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के लिए कार्ड्स आए हैं 7 of Swords, वहीं पे पेज ऑफ पेंटिकल्स और टावर का। आज पैसों के वजह से लापरवाही बहुत ज़्यादा हो सकती है, जिसकी वजह से अनावश्यक धन खर्चा हो सकता है, सडनली हो सकता है जानबूझ के कोई गलती कर बैठे, इसलिए इन गलतियों से आज के दिन बच के रहिएगा। आपके लिए सही रहेगा आज के दिन भगवान विष्णु जी को पीले वस्त्र अर्पित करें। बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के लिए कार्ड्स आए हैं 5 of Cups, 2 of Cups और 5 of Wands। आज लड़ाई झगड़े में पड़ सकते हैं, इसलिए लड़ाई झगड़े से दूर रहिएगा, क्रोधित नहीं होना है। इमोशनली थोड़ा स्ट्रेस्ड रहेंगे, जिसकी वजह से आपका इफेक्ट जो है स्ट्रेस होने का आपके रिलेशनशिप पर पड़ेगा, तो उस चीज़ से दूर रहें। आपके लिए सही रहेगा आज के दिन
आप लोग जो हैं भगवान विष्णु जी को लाल पुष्प अर्पित करें। बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के लिए कार्ड्स आए हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। आज करियर में धन को लेकर के नए रास्ते खुलेंगे, नई चीज़ें, नए सोच विचार मन में आ सकते हैं, धन में स्थिरता महसूस होगी, तो दिन अच्छा रहेगा। आपके लिए सही रहेगा आज के दिन हल्दी भगवान विष्णु जी को अर्पित करें। बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के लिए कार्ड्स आए हैं द सन, द जजमेंट और साथ साथ टेन ऑफ पेंटिकल्स। घर में खुशहाली का माहौल बना रहेगा, संतान पक्ष से कोई खुशखबरी आ सकती है, पुरानी गलती को सुधारने के मौके मिलेंगे, घूमने फिरने जा सकते हैं। ओवरऑल डे 10/10 रहेगा। आपके लिए सही रहेगा आज के दिन आप लोग जो है केसर भगवान विष्णु जी को अर्पित करें। बात करेंगे अंतिम दो राशियों की। बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के लिए कार्ड्स आए हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फोर ऑफ सॉन्स और लवर्स। आज भाग्य पूरा साथ दे रहा है, स्पेशली जो लोग प्रेम संबंधों में सुधार चाहते थे उनके तो साथ दे ही रहा है, मगर स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपके लिए सही रहेगा आज के दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी की माला अर्पित करें। अंतिम राशि मीन की बात करेंगे। मीन राशि के लिए कार्ड्स आए हैं द मून, नाइट ऑफ सॉन्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आज थोड़ा सा इमोशनली स्ट्रेस रहेंगे, पैसों को लेकर के स्ट्रेस रह सकता है, या फिर हो सकता है किसी काम में जल्दबाजी करें वो काम सफल ना हो पाए, इस वजह से भी स्ट्रेस हो सकता है। इन चीज़ों से बचे ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज के दिन केसर का तिलक माथे पर करें। चलिए बात करेंगे अंतिम में टिप ऑफ द डे की, करना क्या है। आज के दिन बेहतर रहेगा यदि आप किसी भी धर्म स्थान पे पीतल का दान करें, पीतल का पात्र दान करें, पीले वस्त्र दान करें और साथ साथ दो ईंट दान करें, अच्छा रहेगा आपके लिए भी, पितरों का आशीर्वाद भी मिलेगा और कहीं ना कहीं आपका बुध बृहस्पति जो है, क्षमा कीजिएगा, वो भी मजबूत होगा। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए करिश्मा के करिश्माई बत्ते के वलास्ट्रो तक पे। नमस्कार, जय श्री राधे।